बुराई में सब आ जाएंगे। फिर तो बहुत सारे यूट्यूबर भाई भी हैं जो कि दबा के गाली गलौज करते हैं सारा दिन आजकल, वो भी आजकल ओला में ही खूब खेच रहे हैं। न्यू और फ्रेश व्लॉग में करता हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत भाई। 28/11/2023 टाइम हो गया 3:30 इवनिंग के, और मैंने आपको बताया था कल 3 बुकिंग के बारे में। आज मेरी 3 बुकिंग है, जो कि एक बुराड़ी से पिकअप था, एक जिस पे मैं अभी आया हूँ सरस्वती विहार, और एक एयरपोर्ट से है शाम को 6:30। तो भाई जो सुबह का पिकअप था वो मोनू भाई ने कर दिया था, और मैं पहुंच चुका हूँ अभी सरस्वती विहार। तो सर को पिकअप करके ड्रॉप करूंगा, फिर उसके बाद 1.5 घंटे के बाद फिर मेरा वहां से भाई पिकअप है करोल बाग के लिए। तो करेंगे बात आपसे हर चीज के बारे में, कैसे कैसे पिकअप होंगे और कैसे कैसे ड्रॉप होंगे। और भाई सारे भाइयों के लिए, सभी दिल्ली वासियों के लिए बड़ा ही खुशखबरी, बारिश हो गई है दिल्ली में और पॉल्यूशन हो गया है खत्म। दूर दूर तक बिल्कुल क्लियर कट आसमान दिखाई दे रहा है, और अब शायद पॉल्यूशन दोबारा से होगा नहीं। तो बड़ा सुकून मिला है, सांस लेने में भी इश्यू आ रहा था भाई, इतना बुरा हाल था कि मैं पॉल्यूशन का। तो अभी तो समस्या इससे तो निजात मिल गई है, हम कर रहे हैं कंटिन्यू लगातार सुबह शाम दिन रात। रात में भी 3:30 फ्री होया था, और अभी ये अपना काम आज का तो हुआ है शुरू, और बाकी देखेंगे कैसे कैसे काम होगा, करूँगा आपको अपडेट। बने रहना आप लोग में लास्ट तक, और वीडियो भाई पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट। वो मैं पहुंच चुका हूँ अभी पिकअप लोकेशन पे, देखते हैं कितनी देर में आते हैं भाई पैसेंजर। 3:35 हो गए हैं, 3:30 का टाइम था पिकअप का, और कौन से टर्मिनल पे जाएंगे करूँगा आपको अपडेट। इतना ट्रैफिक होगा, करीब 27-28 किलोमीटर है भाई यहाँ से एयरपोर्ट। टर्मिनल बन जाना है, छोड़ दो बैठो। भाई ड्रॉप हो गया पैसेंजर का, जो कि सरस्वती विहार से पिकअप था, 3:30 3:40 पे ड्रॉप हुआ है, वो 1 घंटे के आसपास लगे हैं। बस पंजाबी बाग वाला जो बवाल है वही था, बाकी हर जगह स्मूथ ट्रैफिक था। और भाई टर्मिनल 2 पे ड्रॉप करने के बाद तुरंत ही मिल गए थे 2 पैसेंजर टर्मिनल 1 पे जाने के लिए। तो भाई उनको लेकर भी देखे अपने लास्ट वाली क्लिप में, टर्मिनल 1 पे उनको भी कर दिया है ड्रॉप, और अब मेरा पिकअप है 6:30 पे। 5 बजे हैं अभी भाई, जब तक भाई गाड़ी करवा लेते हैं साफ, बुरा हाल हो रखे हैं बारिश की वजह। तो टर्मिनल 1 पे आए हैं तो गाड़ी तो साफ होनी चाहिए, गाड़ी साफ करा के फिर भाई देखते हैं। अभी तक तो ये भी नहीं पता कौन से टर्मिनल से पिकअप होना है। गाड़ी वॉश करने वाला तो कोई मिला नहीं है, और धीरे धीरे मगर टाइम जरूर हो गया पिकअप का, 6:15 का पिकअप है। बस अब छोड़ लेगा, यहाँ से छोड़ना है मुझे 12 खंबा रोड ललित होटल। तो करता हूँ भाई आपको अपडेट, जैसे ही टाइम हो जाएगा बताऊँगा आपको। तो भाई पहुँच गया हूँ टर्मिनल 3, फ्लाइट तो हो गई है पैसेंजर की लेट, 6:50 पे लैंड हुई है अभी फ्लाइट, और मैं अभी कर रहा हूँ एंट्री पार्किंग में। तो भाई पार्किंग में आजकल दोनों लाइन चालू हैं, फास्टैग और टिकट लेन की भी। और एक बात और, आप पिकअप आप ना अराइवल से भी कर सकते हो, और भाई पार्किंग से तो पिछले 1.5 साल से कर ही रहे हैं। पार्किंग पे इसलिए अच्छा रहता है कि भाई आराम से पैसेंजर आ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता, बहुत आसान रहता है भाई पार्किंग से। अराइवल पे तो यहाँ खड़े हैं जी, वहाँ खड़े हैं, 8 मिनट का आपकी पर्ची का टाइम रहता है, वैसे तो कोई रोकता नहीं है। बाई चांस अगर रोक लिया तो भाई फिर से 8 मिनट के 200 रुपये और दो उनको, और फिर पैसेंजर से लेंगे तो भाई वो तो देने वाला है नहीं पैसा एक्स्ट्रा, वो तो सिर्फ 200 ही देंगे जितना पहली 8 मिनट का लगेगा। आपको देर में मिल रहा है पैसेंजर, नहीं मिल रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। और कई बार तो भाई ऐसा भी हो है, अराइवल पे जाके पैसेंजर मिलता ही नहीं है तो बाहर भी आना पड़ता है, उनको दोबारा फिर लेने जाओ इतना लंबा चौड़ा घूम के। तो इस सारी चीज़ तो भाई बढ़िया है, अपने पार्किंग में गाड़ी लगाओ ऊपर, अगर आपके डोमेस्टिक पैसेंजर हैं तो भाई लेवल 1 पे लगा लो, और अगर आपके इंटरनेशनल पैसेंजर हैं तो भाई लेवल 2 पे लगा लो, बड़ा आसान रहे भाई उसमें,
कोई समस्या नहीं आती ऐसे पिकअप करने में। तो मैं तो हमेशा ही पार्किंग से ही पिकअप करता हूँ, बाकी भाई जिसको जैसे सहूलियत हो ना वैसे पिकअप कर लो, मगर अच्छे तरीके से पिकअप कर लो, बढ़िया सर्विस दे के। और मैं तो भाई पहुँच गया हूँ पार्किंग लेवल 1 पे, क्योंकि अपने पैसेंजर की जो फ्लाइट है वो है डोमेस्टिक, और अभी इनको लेके और चलेंगे भाई। अभी आए नहीं है, अभी पिकअप पॉइंट पाए नहीं है, मैं पहले गाड़ी लगाऊंगा उसके बाद चलेंगे। तो देखते हैं भाई कितना टाइम और लगाएंगे पैसेंजर, फिर कर देंगे ड्रॉप ललित होटल। भाई आ गए हैं पैसेंजर, लगेज भी मिल गया और मैं पहुंच गया हूँ टर्मिनल 3 की पार्किंग में। 200 रुपये पहले आधे घंटे के लिए लगता है भाई, और आधे घंटे से अगर 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो 50 रुपये और बढ़ जाते हैं, और ऐसे फिर हर आधे घंटे में पैसा बढ़ता रहेगा। तो ये आने के बाद भाई एक तो दो ऑप्शन है, या तो आप फास्टैग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, तो उसमें कोई पर्ची वर्ची का सिस्टम नहीं है, फास्टैग से एंट्री हो जाएगी और फास्टैग से ही आप एग्जिट हो जाओगे। अगर फास्टैग में बैलेंस नहीं है या कैश देना होता है तो नीचे टिकट लेन से एंट्री करनी पड़ेगी और एक टिकट मिलेगा जिसको आपको भाई यहाँ देखो ये पीछे है ना, जो ये पीछे पार्किंग का बूथ है, यहाँ वो टिकट दे के और जितना भी आपका टाइम लगे उस टाइम के हिसाब से पेमेंट ले ली जाएगी और एक दूसरी स्लिप आपको दे दी जाएगी। वो स्लिप लेके नीचे जाके जब एग्जिट पे आप स्कैनर पे टच करेंगे तो गेट खुलेगा, तो आप बाहर चले जाएंगे। तो ये दो तरीके हैं एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप करने के, तो जो आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो। तो भाई पैसेंजर से बात हो गई थी, आ रहे हैं लेवल वन पे, तो ले कर निकलते हैं भाई ललित बाराखंबा न्यू दिल्ली। तो भाई बुकिंग का हो गया है ड्रॉप, जो कि मेरे पास था एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से पिकअप करके ललित होटल कनॉट प्लेस छोड़ने का। और आज जो भी बुकिंग हुई है सारे एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप थे, जिसमें से 2 एयरपोर्ट ड्रॉप, 1 एयरपोर्ट पिकअप और 1 खमखाका, मान लो खमखाका एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पे ही ड्रॉप। खमखाका कैसे भाई, T2 पे सवारी छोड़ी जिनको लेके गया था सरस्वती विहार से, तो ड्रॉप करते ही 2 पैसेंजर थे जिनको टर्मिनल 1 पे जाना था, तो उनको भाई T2 से लिया और T1 पे ड्रॉप किया। तो ये खमखाका हो गया है एक तरीके से, जो कि किसी तरीके से कैटेगरी थी नहीं अपने पास इस वाले पिक एंड ड्रॉप की। तो टोटल 4500 रुपये के आसपास का काम हुआ भाई, और 500 रुपये की CNG खर्च हुई, 100 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली है, और आज का अपने काम का हो गया है एंड। इन 4 बुकिंग में से 1 बुकिंग मोनू भाई ने किया था और 2.5 बुकिंग मैंने किया। 6:15 बजे का पिकअप था इस वाली बुकिंग का, मगर 6:45 पे पैसेंजर बैठे थे भाई गाड़ी में और 7:45 पे ड्रॉप हुआ, 1 घंटा लग गया, 20 किलोमीटर की टोटल दूरी थी, ट्रैफिक था थोड़ा थोड़ा तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो 40 मिनट का रास्ता है तो 15 मिनट इस वजह से एक्स्ट्रा लगे ट्रैफिक की वजह से। इस तरीके से काम चल रहे हैं धूम धड़ाके से, दे धनाधन बुकिंग पे बुकिंग, काम जितना कर सको उतना काम, आप थक जाओगे पर बुकिंग आनी भाई बंद नहीं होंगी। और जो भी नए ड्राइवर भाई इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं ना, उनके लिए सबसे बेहतरीन समय है ये इस लाइन में ज्वाइन होने का टैक्सी वाली में। और जो ड्राइवर भाई हैं ड्राइविंग करके थोड़े दिन और फिर ओला उबर में जाना चाहते हैं, तो भाई उनका भी ज़बरदस्त मौका है ये काम सीखने के लिए। और कोई ड्राइवर भाई अगर खाली है और काम चाहिए तो भाई कमेंट कर दिया, अगर वो कई भाइयों के पास ड्राइवर की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आपका नंबर शेयर कर दिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं रहता है, किसी प्रकार का कोई आपसे फीस नहीं ली जाती, सिर्फ ये है कि जिसको ड्राइवर की ज़रूरत होती है उसको ड्राइवर का नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसी तरीके से भाई एक दूसरे के साथ लगे रहेंगे तो काम करते रहेंगे और एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तो भाई काम बढ़िया चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आओगी, सारे भाई आपस में मिलजुल के काम करते रहेंगे। तो और अभी तो वो वाले बंदे तो शांत हैं जो भाई हड़ताल के स्टोरी गाया करते, क्योंकि आजकल हुए ओला उबर में ही लंबा काट रहे हैं, जब काम है तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से भी। और जब भाई मंदा काम आ जाएगा, देखो हर काम में मंदा तेज तो चल है,
तो फिर यही ओला ऊबर सबसे बड़ी दुश्मन हो जाएगी ड्राइवर भाई की। और अभी 5,000-5,000 रुपये का काम खींच रहे हैं तो ओला ऊबर तारीफ में कोई नहीं आ रहा है, बुराई में सब आ जाएंगे। फिर तो बहुत सारे यूट्यूबर भाई भी हैं जो कि दबा के गाली गलौज करते हैं सारा दिन आजकल, वो भी ओला में ही खूब खींच रहे हैं। और भैया मैं तो चाहे काम मंदा हो चाहे ज़्यादा हो, अपना तो ओला ऊबर के थ्रू ही काम होता है, जितना भी काम होता है। और आज जो ये डायरेक्ट जो पिक एंड ड्रॉप मैं कर रहा हूँ, ये सब भाई कभी ना कभी ना ओला ऊबर के पैसेंजर थे और ओला ऊबर के थ्रू ही इनसे मुलाकात हुई थी। बढ़िया सर्विस देते रहो, पैसेंजर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और पैसा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है भाई सवारी से, जैसा माहौल चल रहा है ना उस हिसाब से सवारी को नहीं काटना है, मेहनत ज़्यादा करके काम ज़्यादा करके अपना काम करना। ये नहीं भाई आजकल लोगों को गाड़ियाँ मिल नहीं रही हैं तो इस वजह से उनसे नजायज़ पैसा लेके एक ही बुकिंग में सारे दिन का काम कर लेना, ऐसा नहीं करना है यार। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है मगर सोच समझ के, क्योंकि आज जिनको आप बढ़िया सर्विस दोगे टाइम पे उनके साथ जायज़ रेट लोगे तो आपके साथ हमेशा जुड़े रहने वाले पैसेंजर बन जाएंगे। तो 2-3 साल में जैसे ही टाइम बीतता जाएगा तो आपको किसी भी कंपनी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, आपके पास ऑटोमेटिक इतना काम आता रहेगा। तो चलो भाई ये बातें तो रोज़ हो रही हैं आपके आपके साथ, हर रोज़ मैं यही बातें बताता हूँ इसी तरीके से घुमा फिरा के, काम करते रहो मगर ईमानदारी के साथ। तो मिलते हैं भाई अब आपसे कल, आज के ब्लॉग का कर रहा हूँ एंड, कल देखते हैं कहाँ की बुकिंग होगी कैसे कैसे हर चीज़ के बारे में, तो आपको तो भाई अपडेट हो ही जाना। तो मिलते हैं कल। तो आज के ब्लॉग में अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाज़त, सारे भाई ना भाई राम राम, जय हिंद जय भारत।